मैं मणिपुर गई थी और वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब है। वापस आकर हमने एक इंटरिम रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी है, जिसमें हमने सबसे पहले ये मांग करी है कि वहां पे तुरंत प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए और जो मुख्यमंत्री है मणिपुर को उनका रेजिग्नेशन तुरंत ले लेना चाहिए। हमने ये भी मांग करी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री यूनियन मिनिस्टर्स के साथ वहां पे जाएं, हालात का जायजा लें और तुरंत वो सारे संभव कदम उठाएं जिससे कि सिचुएशन नॉर्मल की जा सके, डी एस्केलेशन हो। हमने ये भी मांग करी है कि 3 सेपरेट SIT सेटअप होनी चाहिए। सबसे पहली SIT तो ये सेटअप होनी चाहिए जिसको जांच करनी चाहिए कि आखिर ये दंगे वहां पे हुए क्यों, क्या रोल रहा है सरकार का, उन्होंने क्या कदम उठाए कि ये दंगे ना हो, और जब हो गए तो क्या क्या कदम लिए जिससे कि वॉयलेंस ऐसे आग की तरह पूरे मणिपुर में ना फैले। ये भी इस SIT को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि बताया जा रहा है कि 4000 से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लोगों ने पुलिस से लूट लिए और अभी तक उनमें से बहुत ही कम वेपन्स वापस आ पाए हैं। तो क्यों, किस सर्कमस्टेंसेस में इतनी मास लूट हुई वेपन्स की और उसमें क्या पुलिस ने एक्शन लिया या क्या पुलिस का इनएक्शन था, इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत लोग पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने मदद नहीं करी उन लोगों की और इनफैक्ट क्रिमिनल्स की मदद करी, तो ये बहुत बड़ी एलिगेशंस हैं जिसको इस SIT को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक और SIT सेटअप होनी चाहिए, जो भी मर्डर के केसेस हुए हैं, मिसिंग के केसेस हुए हैं, बड़े सीरियस क्राइम्स हुए हैं, उनके ऊपर इस SIT को मॉनिटर करके इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। और तीसरी SIT सेटअप होनी चाहिए, जो भी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हुए हैं, वायरल वीडियो का वो जो केस था, एक 21 और 24 साल की लड़की, उसको बताया जा रहा है कि गैंगरेप करके मर्डर कर दिया गया, इस तरीके के जो केसेस हुए हैं उनको वो SIT को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हमने ये भी मांग करी है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर्स हैं और उनके जो परिवार हैं, उन सबको रिहैबिलिटेट करना चाहिए सरकार को, उन सबको कोशिश करके दिल्ली लाना चाहिए या किसी भी और स्टेट में जहां वो जाना चाहती हैं, उनके ट्रायल वहां होने चाहिए और साथ में उनको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए 25 लाख रुपए का, उन्हें घर मिलना चाहिए, उनको जॉब मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सके। जब हम मणिपुर में घूमे तो हमने ये देखा, बहुत लोगों से बात करी, बहुत महिलाओं से बात करी और हमें ये महसूस हुआ कि लोगों को डर लगता है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस को रिपोर्ट करने का। एक स्टिग्मा है सोसाइटी में जिसके चलते बहुत महिलाएं सामने नहीं आना चाहती रिपोर्ट करने के लिए। तो मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत एक हेल्पलाइन लॉन्च करनी चाहिए मणिपुर में, उसकी वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि अगर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो वो खुल के रिपोर्ट करें, डरे नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन उनको मदद देगी और प्रॉपर जस्टिस देगी। हम बहुत सारे रिलीफ कैंप्स में भी गए मणिपुर के अंदर और वहां की हालत बहुत खराब है। हमने देखा कि किस तरीके से ओवरक्राउडिंग हो रखी है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं है, कपड़े नहीं है, और हमने देखा प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, एल्डरली हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और ऑर्फंड चिल्ड्रन हैं, जिन तक अभी तक सरकार से कोई मदद नहीं पहुंची है। तो सेपरेट शेल्टर होम्स भी बनाने चाहिए और इन तक तुरंत मदद पहुंचानी चाहिए, बेस्ट फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि इनकी जिंदगी अब ठीक हो सके। हमने ये भी देखा कि रिलीफ कैंप्स में और बाकी जगहों पे भी बच्चे घूम रहे हैं, उन तक अभी तक कोई भी एडुकेशन का प्रोसेस नहीं पहुंच पाया है, स्कूल्स बंद हो चुके हैं, तो बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस तुरंत स्कूल्स की स्टार्ट कर दी जाए जिससे कि बच्चों की एडुकेशन में उनको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। ऐसे भी स्टूडेंट्स से हम मिले हैं जो कि अब जो मणिपुर की यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें अपना हायर एडुकेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग अलग स्टेट्स में भी भाग के पहुंचे हुए हैं, तो उनके एडमिशन दूसरी स्टेट्स में हो सके इसके लिए सरकार को हर संभव मदद वहां तक पहुंचानी चाहिए। हमने ये भी देखा
और बहुत दुख हुआ ये जानकर, हमें बताया गया कि किस तरीके से अभी तक डेड बॉडीज हॉस्पिटल्स में पड़ी हैं और वो उनके परिवार वालों तक नहीं पहुंचाई गई। मेरे हिसाब से बहुत शर्म की बात है और तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ये सारी डेड बॉडीज उनके परिवार वालों तक पहुंचनी चाहिए। हम ये भी देख रहे हैं, जैसे कि दिल्ली या बाकी स्टेट्स में बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग मणिपुर वायलेंस से भागकर पहुंच रहे हैं, तो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है। रिलीफ कैंप सेटअप होने चाहिए और इन लोगों की रिहैबिलिटेशन होना चाहिए और मैक्सिमम मदद पहुंचाई जानी चाहिए। मेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि वो तुरंत हमको मिलने का समय दें, इस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करवाएं और तुरंत सख्त एक्शन लें जिससे कि मणिपुर के लोगों को बचाया जा सके।